एक मे महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी मेळघाटमधील कारागोलाई वन कॅम्पमध्ये झालेल्या वनभोजनाचा वृत्तांत विदर्भ न्यूजने चव्हाट्यावर आणलेला आहे. विदर्भ न्यूजने आपले 5 वेगवेगळे भाग दर्शवून संपूर्ण जनतेला व वनविभागाला ही माहिती देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की ज्या ठिकाणी हे वनभोजन करण्यात आले होते त्या ठिकाणी कुठल्या कुठल्या पद्धतीने वनविभागाचे नियम आणि कायद्याचे उल्लंघन हे वन अधिकाऱ्यांनी आणि वन कर्मचाऱ्यांनी केलेले आहे. या वनभोजनाच्या प्रकरणामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी यांनी सुद्धा वनविभागाच्या या कर्मचाऱ्यांवरती व अधिकाऱ्यावरती कडक कार्यवाही झाली पाहिजे याकरिता आपली मागणी रेटून धरलेली आहे. मेळघाट इलाखा पारंपरिक ग्रामसभा संघटनेचे अध्यक्ष मन्नालाल दारशिंबे यांनी सुद्धा आता या प्रकरणामध्ये उडी घेतलेली आहे. विदर्भ न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी हे स्पष्टपणे कबूल केलेले आहे, वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी हे मेळघाटावरती स्वतःचा मालकी हक्क चालवितात, मात्र मेळघाटाचे खरे जे मालक आहेत ते आदिवासी व कोरकू आहेत आणि त्यांच्याच हितासाठी हे जंगल आहे. मात्र या जंगलाचे कायदे आणि कानून हे सर्व सामान्यांना लागू होते का, कर्मचारी व अधिकारी यांना लागू होत नाही का, आणि यासाठी लॉकडाऊन उघडल्याच्या नंतर आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याचे सुद्धा त्यांनी विदर्भ न्यूजशी बोलताना सांगितलेले आहे. मेळघाट इलाका पारंपरिक संघटनेचे अध्यक्ष असलेले मन्नालाल दारशिंभे हे आदिवासी व कोरकूंचे नेते म्हणून संपूर्ण मेळघाटामध्ये सुपरिचित आहे. बघूया काय म्हणतात मन्नालाल दारशिंबे. काफी दिनों से विदर्भ न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि जो मेळघाट का जो कारागुलाई जो क्षेत्र है वो एक राखीव जंगल है. वहां पे वन विभाग के 50 से 60 जो अधिकारी यानी कर्मचारी वहां पे खाना वगैरह बना के खाए. लेकिन आज हमारे मन में एक सवाल है कि अति जो राखीव जो जंगल क्षेत्र में वहाँ पे ना लोगों को जाने के मनाही है, जानवरों को चराने के लिए मनाही है, वहाँ पे किसी प्रकार के हथियार लेने में मना है. इस क्षेत्र में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने खाना बना के खाया कैसा सबसे बड़ा सवाल ये है. सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र दिन जो 1 मई महाराष्ट्र दिन पे इन लोगों ने वहाँ पे बैठ के खाना खा के पार्टी ही बोल सकते हैं हम उसको डायरेक्ट, क्योंकि आणि हमें ऐसा लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र दिन में इन्होंने वहां पे भोजन किया, एक महाराष्ट्र दिन का इन्होंने अपमान किया. इसका भी चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इसमें भी वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी पे गुनाह दाखिल होना चाहिए. और सवाल हमारा ये भी है कि भाई एक ही क्षेत्र में 3 DFO वहां पे कैसे गए, यानी दूसरी बात पूरे देश कोरोना विषाणु को लेके निपटने के लिए पूरा देश में संघर्ष चल रहा है, यानी लोग खास करके उसका पालन करने लॉकडाउन घोषित हुआ, लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, यानी एक तरफ वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी 50 से 60 जन एक जगह आके खाना खा रहे, एक गंभीर मसला है, यानी गंभीर विषय है, क्योंकि इस तरह का करके भाई नियम का कानून का उल्लंघन किया जा रहा है. क्योंकि एक जगह आके बैठकर खाना करके हम आपके चैनल के माध्यम से हमारी मांग है कि भाई इनको परवानगी किसने दी, अनुमति किसने दी, इसका भी एक जांच होना चाहिए करके आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि एक उच्च स्तरीय जो सन्माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन होना चाहिए जिसमें सच्चाई बाहर आना चाहिए. क्योंकि आज हम मेळघाट में रह रहे, मेळघाट के लोगों की समस्या के लिए संघर्ष कर रहे, लेकिन आज मेळघाट के अंदर जो वन के जो अधिकारी कर्मचारियों के मन में एक धारणा है, क्योंकि वो जंगल का खुद को मालिक समझते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी जंगल का मालिक नहीं है, और नौकर है, रखवालदार है, और नौकर रखवालदार की तरह रहना चाहिए. ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं असली मालिक इस क्षेत्र में जो रह रहे जो लोग है वो उस जंगल का मालिक है. यानी आप देखते होंगे कि भाई जंगल के जो रोड की जो रोड है, रोड पे नोटिस लगा है इन्होंने, बोर्ड लगा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर खाना खिलाता होगा जानवरों वगैरह को तो उनको 25,000 रुपये का दंड बोला गया. तो क्या इन्होंने जो खाना खाए वहाँ पे कुछ झूठा खाना खाए, अगर उसने जानवरों को अगर खाए, अगर उस जानवर ने खाए उन पर किसी प्रकार की जानवरों पे कुछ नुकसान हो गया और उनके हानि हो गई तो इनकी जवाबदारी कौन है, करके हम सरकार से हमारी मांग है कि उच्च स्तरीय जांच समिति गठन होना चाहिए. अगर उच्च स्तरीय समिति का गठन नहीं करते होगे तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है हम इस मेळघाट की भूमि में वन विभाग प्रशासन के विरोध में तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा. किसान ब्रिगेडचे मेळघाटामधील अध्यक्ष असलेले राजीव पटोत यांनी सुद्धा वनविभागाच्या या वनभोजनाची आता या 3 वेगवेगळ्या नेत्यांमुळे वनविभागाच्या या वनभोजन प्रकरणाला वेगळे स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. मुझे जानकारी मिली है उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ. जैसा फॉरेस्ट विभाग के जो यहाँ पर अभी कुछ घटना हुई जैसे उन्होंने किया है कि
पार्टी मनाने का काम किया है उन्होंने। तो वहाँ पर उन जैसे कि गांव के जो लोग हैं, जितने भी मेड़घाट क्षेत्र है वहाँ पर, वो जो एरिया अति संरक्षित एरिया है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति माचिस भी लेके जाए तो वहाँ पर दंड हो सकता है। तो ऐसे जगहों में ये लोग अगर खाना बनाते, आग जलाते, तो अगर इससे नुकसान होता तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो ऐसे जो बातें जो चल रही है, जो अधिकारी इस तरह से गलत यूज कर रहा है, और जानकारी के हिसाब से वो 1 मई के दिन जिन्होंने पार्टी मनाया, यानी पूरे देश कोरोना से ग्रस्त है और परेशान है, ऐसे मौसम भी ये लोग अगर पार्टी मना, खुशियां मना रही है, तो बहुत बड़ी हमारे लिए दुखद बात है। और सरकार ने इसके बारे में एक कड़क निर्णय लेना चाहिए और इसमें एक कड़क कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए। आता यावर वन विभाग कुठल्या प्रकारची कार्यवाही करतो, अधिकाऱ्यांवरती व कर्मचाऱ्यांवरती गुन्हे दाखल होतात, याबाबत वन विभागामध्ये उलटसुलट चर्चांना उधाण आलेलं आहे। विदर्भ न्यूज करिता धारणी येथून तस्मिन शेख, परतवाडा येथून पंकज साबू, चिखलदरा येथून मारुती पाटणकर, तर विदर्भ न्यूजचे प्रबंध संपादक उमेश लोटे यांचा हा वृत्तांत।